आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई तरह की एक ऐसी चटनी की रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसे आपने पहले नहीं खाया होगा। ये चटनी बहुत ही चटपटी स्वादिष्ट बनके तैयार होती है, एक बार बनाए 20 से 25 दिन तक खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कच्चे पपीते की चटनी। तो यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा पपीता 500 ग्राम। पपीता को छील लिया है और ऊपर नीचे का भाग काटते हुए 20 से काट लिया, इसका बीज निकाल दिया और अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद मोटे वाले छेद से कद्दूकस कर लिया है। तो समय की बचत हो इसलिए मैंने पहले ही कद्दूकस कर लिया है। तो सबसे पहले कढ़ाही चढ़ाइए, उसमें डालिए 1 छोटी चम्मच घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी में बहुत ही बढ़िया बनता है। घी के गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम को कम कर दे। 1/2 छोटी चम्मच सौंफ, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो देखिए जीरा सरसों तड़क चुका है। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 कप पानी, ml में देखे तो 120 ml पानी, और 1 कप चीनी। 1 कप चीनी में 1/2 कप पानी हम डालेंगे, ml में देखे तो 150 ग्राम चीनी। फ्लेम को बढ़ा दीजिए और इस तरीके से मिला ले। अच्छे फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 2 से 3 हरी इलायची, जिसे मैंने इस तरीके से खोल दिया है। आप हरी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो पपीते के फायदे हर कोई जानता है, आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए उबाल आने लगा है, चीनी घुल चुकी है और अब हम इसमें डाल देते हैं कद्दूकस किया हुआ कच्चा पपीता। फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और अब हम कच्चे पपीते को चीनी के सिरप में पकाएंगे। तो ये बिल्कुल मुरब्बा की तरह तैयार होता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो लीड से ढकते हुए हम 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है, पपीता सॉफ्ट भी हो चुका है। इस तरीके से चला ले और अब हम इसमें हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो मीठा के साथ हल्का सा तीखापन के लिए यहाँ पे मैं 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक यानी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहे तो 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी फ्लेवर के लिए डालिए काली मिर्च पाउडर, बस थोड़ा सा डालिए। 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, हमें ब्लैक सॉल्ट ही डालना है। 1 चम्मच किशमिश, देखे तो 20 दाने किशमिश आप नहीं भी डाल सकते हैं। और 5 से 6 काजू, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। सभी को मिला ले तो आम के मुरब्बे जैसा ही स्वादिष्ट बनता है दोस्तों, एक बार ज़रूर बनाइएगा। इस तरीके से चलाने के बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। फिर से ढक दीजिए और बीच बीच में चेक करते रहिए। 5 से 7 मिनट और हो चुका है तो आप देख सकते हैं चटनी ट्रांसपेरेंट होने लगी है और देखिए शुगर सिरप किस तरीके से गाढ़ा हो रहा है। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें, हमें तब तक पकाना है जब तक पपीता अच्छे से पक ना जाए। तो टोटल आपको पकाने में 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। फिर से ढक दीजिए। तो फिर से चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। और इतना शुगर सिरप जरूर रखिएगा क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो शुगर सिरप गाढ़ी हो जाएगी, मतलब लटपट सा हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो 4-5 चम्मच और ऊपर से पानी डाल सकते हैं और पका सकते हैं। फ्लेम बंद कर दें और आखिर में डालिए 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। गैस बंद करने के बाद डालें। तो नींबू का रस डालने से ये प्रिजर्व का काम करेगा, यानी आप आराम से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो खट्टा मीठा मसालेदार स्वादिष्ट कच्चे पपीते की चटनी बनके तैयार है, जिसे बंगाल में प्लास्टिक चटनी के नाम से जाना जाता है। ये वहाँ की बहुत ही फेमस चटनी है। इस चटनी को सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। तो आप इसे पराठे के साथ खाएं या फिर साइड डिश के रूप में अचार जैसे सर्व करते हैं उस तरीके से सर्व करें। तो इस स्वादिष्ट चटनी को आप एयरटाइट कंटेनर में ही स्टोर करके रखें, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो कच्चा पपीता खिलाने का बेस्ट ऑप्शन है और बड़ों को भी बहुत भाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और आपका प्लास्टिक चटनी कैसा बना मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।